ओम सभी को शुभ नमस्ते। सजनों, आज हम बात कर रहे हैं उच्च रक्तचाप, जिसे हम हाई बीपी भी बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। वो बहुत ही गंभीर समस्या है इसकी। बहुत सारे भाई बहन इसे गोली लेकर के रिकवर करते हैं, यानी कि थोड़ा सा डाउन लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि हम ब्लड प्रेशर की गोली लेकर के बीपी को कंट्रोल करेंगे, नियंत्रित करेंगे, तो सजनों उस गोली के निरंतर लंबे समय तक लेते रहने से हमारी किडनियां भी इफ़ेक्टिव होंगी, किडनियों पे हानि होगी और ऐसे व्यक्ति 10, 15, 20 साल के बाद डायलिसिस तक की नौबत आ जाती है, तो वो हमारे किसी परिजन को, किसी मित्र को ना हो, हमें स्वयं को ना हो। तो उससे बचने के लिए मैं आज आपको अपने साथ, यानी कि जितनी देर मैं करूं, 3-4 प्राणायाम करेंगे केवल, जितनी देर मैं करूं उतना देर ही आप कर लें, बस मेरे साथ प्राणायाम विद मी आप करेंगे और आपका बीपी उतनी ही देर में प्राणायाम से क्योर होगा। फिर आप धीरे धीरे दवाई की गोली की मात्रा घटाते जाएंगे। जहाँ आप पूरी गोली ले रहे हैं उसके या तो 2-2 घंटे समय लेट कर दें, बेशक 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे शुरू में धीरे धीरे, या गोली की थोड़ी मात्रा तोड़ के कम कर लें और बीपी आपका प्राणायाम से क्योर होगा। सजनों, मैं हवा हवाई बातें नहीं किया करता, ऋषि दयानंद का मैं अनुयायी हूँ, महर्षि दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, उन ऋषि दयानंद को मैं शिद्दत से व्यवहार में लाने की कोशिश करता हूँ, उनके सारे आदर्शों को। इसलिए मैं आपसे अव्यवहारिक बात नहीं कर सकता। आपका ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल ठीक होगा ही होगा, बस आप मेरे साथ जितना मैं करूं उतनी देर प्राणायाम कर लें, बस बैठ के। अपना टीवी ऑन करें, अपना मोबाइल ऑन करें और उतनी देर आप प्राणायाम कर लीजिए। और सजनों, यदि हमें बीपी ज़्यादा उतार चढ़ाव करता है तो हमें उससे ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हमें हार्ट अटैक आ सकता है, हमारा सांस फूलेगा, हमारे शरीर में थकान आएगी, हमें अचानक से पसीना आ जाएगा, हमें घबराहट होगी, हमें बेहोशी आ सकती है। यदि हमें शुगर है तो हमारी किडनी खराब हो सकती है, किडनी पे भी इफ़ेक्ट आ सकता है। इसलिए बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स इस हाई ब्लड प्रेशर से हो सकते हैं। और जितनी देर, लगभग ये 35-40 मिनट की वीडियो आप बनेगी जिसमें आप मेरे साथ करेंगे, मैं आपके साथ साथ करूँगा, उतनी देर यदि आपने ईमानदारी के साथ कर लिया, कोई थकाने वाली क्रिया नहीं बताऊँगा, कोई एक्सरसाइज विशेष नहीं बताऊंगा, केवल बैठ के आप सर्दी के दिनों में भी आप कंबल में बैठ के कर सकते हैं, उसमें भी आपको बीपी आपका ठीक हो ही जाएगा, बिल्कुल गारंटी के साथ। तो आइए सर्वप्रथम हम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम, अर्थात जैसे चंद्रमा रात्रि में शीतलता देता है, स्निग्धता और ताजगी देता है, उससे सारा धरातल ठंडा हो जाता है, सब फसलों में रस भरता है, अनाज पैदा करता है, उनके अंदर मिठास खटास जो भी उनका स्वाद है वो पैदा करता है चंद्रमा की रोशनी। तो चंद्रमा शीतलता देता है, ऐसे ही हमारा बायां नासिका से यदि हम सांस लेंगे, ये चंद्र स्वर है, तो ठंडा और शीतल श्वास अंदर जाएगा और आपकी उष्णता, जो ताप है, आपकी जो गर्मी बढ़ी हुई है इस मस्तिष्क के अंदर, शरीर के अंदर, उस गर्मी को आपकी को कम करेगा। और गर्मी का प्रकोप, यदि गर्मी, ऐसा नहीं कि हमें वैसे तो सर्दी लग रही है, सीजन तो सर्दी का है, मौसम तो सर्दी का है, ऋतु तो सर्दी की है, फिर गर्मी का कहाँ सवाल आया। गर्मी हमारे क्रोध से, गर्मी हमारे पेट की खराबी, पेट गैस बनने से गर्मी बनती है, पेट साफ समय पे नहीं होता, गुब्बार बनता है, सिर में चढ़ती है वो गैस, तो ब्लड प्रेशर आपका इफेक्टिव होगा, ऊपर नीचे होगा। तो गर्मी अर्थात अंदर की गर्मी, गुस्से वाली गर्मी, विराग द्वेष, द्वेष जो हम रखते हैं, वैमनस्य जो रखते हैं, वैर विरोध जो रखते हैं, उससे दिमाग की नसें
इतनी प्रभावित होती हैं, फट जाती हैं कई बार। ब्रेन हेमरेज क्या है, नस पे इतना प्रेशर पड़ जाता है कि द्वेष के कारण, क्रोध के कारण हमारी नसों पे इतना प्रेशर पड़ के ब्रेन हेमरेज तक हो जाता है। इसलिए उन सब चीज़ों से थोड़ा बचने का प्रयास करें, अपने मन को ओम के जाप में लगाएं, गायत्री मंत्र के जाप में लगाएं, और कोई भी प्रार्थना आप चाहते हैं जो आपको प्रिय हो उसमें लगाएं, किसी बड़ों के सानिध्य में जाके बैठें, बड़ों की बातों को सुनें, कोई मनोरंजक को प्रोग्राम लगाएं जिससे आपका मनोरंजन हो सके। ऐसे कार्यक्रम आप अटेंड करें, उनको आप स्वयं समय दें उन ऐसे कार्यक्रमों के लिए, और आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा। तो मैं प्राणायाम से बात कर रहा हूँ बीपी को नियंत्रित करने की, और आप प्राणायाम से अपने 200 तक के बीपी को, 150 हो ऊपर का, 200 हो, 170 हो, 200 तक के बीपी को भी इतनी देर में क्योर कर लेंगे। लेकिन करना रोज पड़ेगा सजनों, एक दिन की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ, 10-15 दिन के अंदर आपका बीपी नियंत्रित आ जाएगा। यदि जब रोजाना करेंगे फिर आप गोली के बिना भी रह सकते हैं, और गोली आपकी किडनी पे इफेक्ट डालती है। तो आइए सर्वप्रथम बाएं नाक से धीरे धीरे लंबा भरना है, और निकालना दाहिने से है। देखिए मेरे साथ 5 मिनट मेरे साथ करिए। केवल बाएं से भरना, दाएं से निकालना। और सजनों खींचना गले से, ऐसे नहीं खींचना, ये भी इसमें प्रिकॉशन, सावधानी ध्यान रखना, ऐसे नहीं खींचना। ये प्रेशर मस्तिष्क में जाएगा और बीपी तनाव को फिर बढ़ाएगा। इसलिए आपने यहां से वैक्यूम होगा, सांस यहां से सिकारी देगा, यहां से सांस आपने खींचना है, और आवाज भी आएगी आपको, नाक नहीं सिकुड़ेगा। जब आप तेज यहां से खींचेंगे तो नाक सिकुड़ता दिखेगा ऐसे, और नाक से ही आवाज आ रही है, अब यहां से आवाज आएगी। बार बार बाएं से ही भरना, दाएं से निकालना। पूरा भरना है, सांस लंबे लेने, सीना पूरा फुलाना है गुब्बारे की तरह। सीधी नासिका से नहीं भरना, सीधी नासिका सूर्य स्वर है, उससे गर्म श्वास जाएंगे, और गर्म जाएंगे तो हमें फिर तनाव बढ़ेगा, हमारा बीपी बढ़ेगा। बार बार बाएं से भरें, दाहिने से निकाल, निकलने वाला गर्म निकल रहा है, निकालें चाहे आप दाएं से चाहे बाएं से, तो गर्म ही निकलेगा, लेकिन यहां भरने की बात हो रही है। बाएं से भरें, दाएं से निकालें। यहाँ की सिसकारी का अवश्य ध्यान रखें, सामने शीशा रख सकते हैं आप, शीशे में अपने गले को देखते रहें कि यहाँ से गला सिकुड़ेगा थोड़ा सा। सर्दी के दिनों में ज़्यादा समय नहीं मिलता, काम का समय हो जाता है, धूप निकलती है, तो आप कंबल ओढ़ के, रजाई ओढ़ के भले ही बैठ के कर लें, बस थोड़ी सी खिड़की ताज़ा आवागमन हो जाए हवा का, हल्का सा झरोखा खोल लें, बस पूरा दरवाज़ा भी खोलने की जरूरत नहीं है।
धीरे और लंबा भरना है। निकाल तो आप तेज भी सकते हैं थोड़ा, लेकिन भरना धीरे है, क्योंकि भरने वाला प्रेशर ऊपर जाएगा सिर में यदि तेजी से भरा तो। निकालने में तेज निकालेंगे तो टॉक्सिन से निकलेंगे, पर फिर भी एक लय के साथ निकालें। ये हमने लगभग 7 मिनट किया है, तो 7-7 मिनट हम 3 प्राणायाम पहले करेंगे, उसके बाद रिपीटिशन करेंगे, जिससे आप बोर ना हो, आपको थकान सी ना हो। इससे भी कम देर करना है तो दूसरा शुरू कर सकते हैं आप। पहले आप इतना 4-5 मिनट कर लें भले, हमने ये 7-6.5 मिनट के आसपास कर लिया, तो इसके अलावा आप दूसरा प्राणायाम करेंगे, शीतकारी प्राणायाम। होठों को खोल के दांतों को मिला के सांस अंदर खींचेंगे, नासिका से बाहर करेंगे, रेचक जो है नाक से करेंगे, तो गर्म श्वास बाहर निकलेगा प्रश्वास के रूप में और अंदर ठंडा जाएगा। शीतकारी, जैसा इसका नाम वैसा ही इसका काम है, अंदर आपको ठंडक सी लगेगी, यानी कि जैसे आप ठंडा पानी पीते हैं, बर्फ़ खाते हैं, वैसी आपको बिल्कुल ताजगी, स्निग्धता महसूस होगी। तो भरिए गहरा, बहुत प्रेशर नहीं देना, ऐसे नहीं करना, बहुत स्मूथली, बहुत सहज, बस पूरा सीना फुलाना है। धूप में बैठने का अवसर है तो धूप में बैठ के करें तो और अच्छा रहेगा, ठंडक भी आपकी दूर हो जाएगी, शीत भी नहीं सताएगा और आपको प्राणायाम में आनंद आएगा। और खाली पेट समय ना मिले तो आप कुछ नाश्ता, कुछ भोजन करके भी कर सकते हैं, दूध इत्यादि लेकर के भी कर सकते हैं, कोई फल फूल खा के भी कर सकते हैं। तो यदि आपका खाना खाने का टाइम होगा और प्राणायाम उससे पहले कर नहीं पाए तो ऐसी विशेष परिस्थिति में आप कुछ लेने के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर का फंक्शन है फेफड़ों का और केवल गले और मुख का, ये पेट का फंक्शन नहीं है डायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली तो पूरे शरीर में वायु जा रही है, हमारा सांस जा रहा है और पूरे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली केवल फेफड़े और गले और मुख का इसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे ही करिए लगातार, कमर सीधी रहे, ये जरूर शर्त है। कमर आप चाहे भले ही वैसे ना सीधा बैठ सके तो सहारा ले सकते हैं किसी चीज़ का और सहारा लेके बैठ जाएं, लेकिन कोशिश करिए आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे, जिससे कि आपके फेफड़ों को पूरा ऊपर उभरने का, फूलने का अवसर मिले।
बीच बीच में पैर सुन्न होने का डर है तो पैरों को सीधा करके घुमा लें, आगे पीछे गोल गोल जैसे भी आप मूवमेंट कर सकते हो वो कर लें, और फिर आपके पैर ठीक हो जाएंगे, रक्त संचार सामान्य हो जाएगा। फिर आलती पालती चौकड़ी लगा के कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, जो चौकड़ी लगा के नहीं बैठ सकते पलंग पे बैठ के, कुर्सी से बैठ, किसी भी सुखद आसन में बैठ के आप इसको कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ प्राणायाम करके, जो भाई बहन मेरे वीडियोस देखते हैं या दूसरों को प्रेषित कर सकते हैं, भेज सकते हैं अपने प्रियजनों को, तो उनको आप इस विधि से विद मी यानी कि मेरे साथ प्राणायाम करके आप उनकी गोलियां छुड़ा सकते हैं, उनके जीवन का बहुत बड़ा काम हो जाएगा। कई लोग बहुत हल्के में लेते हैं इस बात को कि नहीं नहीं गोली से ठीक रहता जी हमारा तो बीपी नहीं। भाइयों बहनों मेरा हार्दिक निवेदन है, आप मेरे कुछ नहीं लगते, कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक बहुत गहरा रिश्ता अवश्य है। मेरी भारत माता के सच्चे सपूत सुपुत्रियाँ बेटे बेटियाँ आप हैं, तो हमारा बहुत डायरेक्ट रिश्ता है। भले ही कुछ नहीं लगते लेकिन फिर भी भाई बहन हो आप मेरे, आपका भला होना ही चाहिए। क्यों आपकी किडनी खराब हो, क्यों गोली लेने से आपके शरीर पे साइड इफेक्ट्स हों, इसलिए साइड इफेक्ट्स से बचना है, उनके दुष्प्रभावों से बचना है। और हम केवल और केवल ऋषियों की इस अद्वितीय विद्या के माध्यम से अपने उच्च रक्तचाप को दूर कर सकते हैं। निम्न रक्तचाप की भी वीडियो है, वैसे उच्च रक्तचाप की भी वीडियो दूसरी और है चैनल पे, लेकिन मैंने इसकी आवश्यकता समझी, कुछ भाई बहन कर नहीं पाते तो मेरे साथ लग के कर लीजिए। मैं आपके लिए बैठ के कर रहा हूँ ये प्राणायाम, और आप मेरे लिए कर लीजिए, आपका भला होगा तो मेरा भला होगा। तो भरिए लंबा गहरा, भारत माता के बेटे बेटियां सब स्वस्थ रहे, ये मेरा सपना है, ये मेरी सोच है। आप बीमार क्यों रहे, आपकी गाढ़ी कमाई डॉक्टरों पे, आपकी गाढ़ी कमाई और दूसरी जगह क्यों लगे, आपका शरीर समय से पहले रुग्ण क्यों हो, बहुत सारी बीमारियों का घर हम अपने शरीर को क्यों बनाएं, तो इसलिए करते रहिए लगातार। आनंद के साथ, खुशी के साथ, तनाव के साथ नहीं, बिल्कुल सहजता के साथ, हर्षित मन से, बोझ समझ के नहीं। अपने समस्या को क्योर करना है और इसी समय में हो जाएगी। दो हजार 2021 में सेकेंड वेव आई थी कोरोना की, त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया था पूरे विश्व के अंदर, ऑक्सीजन तो थी सब जगह, जो परमात्मा की व्यवस्था हुआ करती है, आप जहाज में जा रहे तो ऑक्सीजन है, आप रेल में जा रहे तो ऑक्सीजन है, आप किसी यात्रा में जा रहे हैं, आप देश में विदेश में ऊंचाई पे नीचाई पे सब जगह ऑक्सीजन है, बेसमेंट में भी गहरी गहरी कंदराओं में ऑक्सीजन है, लेकिन उस समय हॉस्पिटल्स के बेड पे ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन तो उतनी ही बह रही थी उन भाइयों के उन बहनों के जो हमसे बिछुड़ गए समय से पहले, अल्पायु में चले गए, ऐसे होनहार नौजवान नौजवान नवयुवती बेटियां चली गईं, बड़ा दुख होता है उस घटना को याद कर करके। तो केवल कमी थी तो फेफड़ों की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता चली गई थी, बस वो ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, ऑक्सीजन को सोख नहीं पा रहे थे, वैक्यूम नहीं कर पा रहे थे, सांस नहीं ले पा रहे थे, ऑक्सीजन तो उतनी ही थी। फिर भी हमें ऑक्सीजन को बढ़ाने के जो साधन है, वृक्ष अधिक से अधिक लगाएं, पॉल्यूशन कम से कम करने का प्रयास करें, तो इन पे हमें बल देना चाहिए, पानी की वेस्टेज ना करें। तो करिए शीतकारी प्राणायाम, आसपास की वातावरण की सफाई का ध्यान रखें, तो हम अपने फेफड़ों को सबल करें,
बलवान बनाएं, सशक्त करें, उनमें ऑक्सीजन को वैक्यूम करने की, खींचने की शक्ति यथावत बनी रहे, जैसी परमात्मा ने दिए वो किसी भी प्रकार से कम ना होने पाए। इसलिए आपने गहरे लंबे श्वासों के साथ ये शीतकारी प्राणायाम खींचना है, लंबा लंबा ऐसे पूरा सीना फुलाते हुए, दांत और मसूड़े भी इससे मजबूत। हाँ, मैं बताना भूल गया, जिन बुजुर्गों को, जिन सजनों को, जिन बुजुर्ग माताओं को दांत नहीं रहते, चाय इत्यादि पी करके गरम गरम खाना खाने से, ठंडा आइसक्रीम जैसी अचानक से खाने से, ठंडे पदार्थों के ग्रहण करने से, गर्मी के मौसम में ठंडा ही पानी ज़्यादा चाहिए, कोल्ड, बिल्कुल चिल्ड, तो उससे दांत गिर जाते हैं। तो जिनके दांत नहीं है वो फिर ऐसे इसको कैसे करें, वो जिह्वा निकाल के नली बना के शीतली प्राणायाम करेंगे, लाभ उतना ही मिलेगा। मैंने जो बोला था तीन चार प्राणायाम, वो चौथा यही है। तो इन दोनों का लाभ बराबर है, दोनों की करने की विधि वही है, बस इसमें जीव की नली बना रहे हैं, उसमें दांतों से वायु को दंत छिद्रों से अंदर खींच रहे थे, जानी ठंडी ही है। इसको बस उतना अवश्य ध्यान रखेंगे, जहाँ कहीं मच्छर उड़ रहे हों, मक्खी इत्यादि हों, वहाँ इसको थोड़ा करने से बचेंगे, नहीं तो मच्छर वैक्यूम हो जाएंगे, अंदर प्रेशर के साथ अंदर वायु जा रही है, ढूली डस्ट कहीं ऐसा वातावरण हो तो वहाँ पे ना करें, बस इतना इसमें ध्यान रखना है। और इसमें शीतकारी में तो फिल्टर होके जा रहा है दंत छिद्रों से, वहाँ वैक्यूम ऐसा नहीं होगा, कुछ जो है कीटाणु इत्यादि मच्छर वगैरह। तो ये शीतकारी मैं जितनी देर बोल रहा हूँ उतनी देर मेरी क्रिया रुक जाती है, तो आप उस समय अवश्य करते रहें, तभी तो हम उन 6-7 मिनट में उतना लाभ ले पाएंगे। मुझे थोड़ा सा आपके लिए बोलना भी जरूरी है, आपको मोटिवेट करना भी जरूरी है, आपको सकारात्मकता की तरफ आपका जोश बढ़ाना भी जरूरी है, तो इसलिए मेरा मुख रुक जाता है क्रिया करने से। आपका चलता रहना चाहिए इस समय, आपने नहीं रुकना, आपने क्रम से लगातार करना है, तभी ये बीपी आपका, ये शत्रु है हमारा, बीमारियां हमारी शत्रु के समान होती हैं। हमें क्यों आए बीमारियां, हम बीमारियों से दूर रह करके स्वस्थ और आनंदित जीवन जिए। तो करिए शीतकारी प्राणायाम, अंदर ठंडा जा रहा, हाथ ऐसे करके चेक करेंगे निकालते हुए, यहां आपको गर्म महसूस होगा निरंतर, चाहे आप सुबह से शाम करते तक करते रहिए, आपको बाहर गर्म ही निकलता हुआ महसूस होगा। कहां से आ रही है गर्मी, रक्त हमारा गर्म बह रहा है शरीर के अंदर, ऑक्सीजन गर्म बह रही है अंदर, रक्त के गर्म रक्त के संसर्ग में आते ही, संपर्क में आते ही हमारा ये ऑक्सीजन गर्म हो जाती है, और जो बाहर निकल रही पूरे शरीर के टॉक्सिन्स को लेकर निकल रही, तो इसलिए वो गर्म प्रश्वास निकल रहा है हमारा। इन गर्म प्रश्वासों के माध्यम से हमारा सारा तनाव, स्ट्रेस, द्वेष इत्यादि, क्रोध सब बाहर हो जाएगा, हमारा क्रोध में भी कमी आ जाएगी। जिन बच्चों को, जिन बड़ों को ज़्यादा क्रोध आता है, उनको ये शीतकारी अवश्य ज़्यादा करना चाहिए। तो अब तीसरा, यानी कि इनको तो एक ही मानिए बेशक, आप चाहे आप इनको दो मान लीजिए, तो अगला प्राणायाम है हमारा चौथा प्राणायाम कह लीजिए, भ्रामरी प्राणायाम। इसको थोड़ा ध्यान देना होगा, ये कान अच्छे से बंद करने हैं, ये जो डंठल सा है हमारा कान का, ये इसको ऐसे भिड़ा देना है दबाव से, और कोई साउंड हो तो फिर सुनाई ना दे। दोनों कानों को अंगूठों से बंद करना है, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। सांस पूरा भर लेना है शुरू में, आपने ध्यान दिया होगा या दे लेना आज के बाद, कि बहुत सारे सज्जन इसमें उंगलियां ऐसे रखते हैं,
लेकिन अब मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप जहाँ ये हमारी नाक की हड्डी शुरू, यहाँ तो नथुने हैं हमारे, ये नथुनों से जस्ट ऊपर यहाँ पे नाक की हड्डी शुरू होती है, तो नाक की हड्डी के पास की जो त्वचा है, इस त्वचा से उस दरवाजे, दोनों दरवाजों को आधा सा बंद करना है ऐसे, ये सिकिन नीचे को दबानी है उंगली के दबाव से। तो जो वायु हम सांस भर के ओम का जाप कर रहे हैं, अंदर अंदर ओम बोल रहे हैं मानसिक रूप से, तो ओम के जाप में वायु बाहर निकल रही है, टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं, प्रश्वास बाहर निकल रहा है, तो उस समय हमारे कान बंद होंगे, आधा नाक बंद कर लेंगे, जो स्वच्छंद वायु निकलनी थी वो आधा नाक बंद करने से घुटके निकल रही है, यानी कि उसकी उसके रास्ते में अवरोध हम पैदा कर रहे हैं, तो वापस जा रही है, तो वाइब्रेशन बढ़ेगी, आपका म्यूजिक सब बजेगा अंदर ज़्यादा, और यदि यहाँ रख रहे हैं तो अंदर म्यूजिक कम बजेगा, अंदर आपको वाइब्रेशन कम होगी, प्रकंपन स्पंदन कम होगा, इसलिए आपने ये यहाँ इस रिंग फिंगर से अनामिका से आधे नाक को यहाँ दबा के बंद करना है। आप भले ही आँखें खोल के देखते रहिए मेरे साथ, और आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि एक सांस में जितनी देर आप कर सकते हैं प्रारंभ में, ऐसा कर लीजिए कि आधे सांस तक तो आपकी उंगलियाँ अलग रहें, ओम बोलते रहिए ऐसे मेरे साथ, और आधे सांस के लिए आप उंगलियों को यहाँ ढक लेंगे। तब आपने नोट करना है कि जब आपका नाक खुला हुआ था तब ज़्यादा वाइब्रेशन थी अंदर, गूंज ज़्यादा थी, आवाज़ ज़्यादा थी, या नाक आधा बंद होने के बाद, तो आपको लगेगा कि आधा बंद होने के बाद आपकी आवाज़ लगभग दोगुनी हो गई। तो हमारा उद्देश्य ही यहाँ पे मस्तिष्क में वाइब्रेशन देना है, प्रकंपन पैदा करना है, कहीं क्लोट्स जमते हैं, कहीं खून का दौरा धीमा हुआ है या रुका है, उसको चालू करना ही हमारा यहाँ उद्देश्य है, हमारा यहाँ धर्म है, तो हम अपने धर्म को पूरा निभाएं। तो देखिए एक बार, पहली बार या दो बार तक आप चेक कर लें, दो तीन बार में, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए आधे समय उंगली खुली रहेगी और आधे समय नाक पे आ जाएगी। तो देखिए मेरे साथ करना, आंखें खोल के रखिए, भरिए श्वास, ओम। फिर भरा सांस, ओम। मैं थोड़ा झुक के आपके नजदीक होकर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। फिर भरा सांस, ओम। अब शुरू में ही यहां लगा लेंगे, बस पूरे टाइम बंद ही रखना है नाक को, ओम। और आप उंगली कहाँ लगानी है ये भी पता चल जाएगा दो चार बार में, कि थोड़ी थोड़ी यहाँ एडजस्ट करें, यहाँ एडजस्ट करें, यहाँ एडजस्ट करें, जहाँ एडजस्ट करने से आपको अंदर की आवाज़ जो है सुरीली लगे, अच्छी लगे, और यहाँ की आवाज़ ज़्यादा लगे, वह ही आपको करना चाहिए एडजस्ट। आप थोड़ा थोड़ा करके स्वयं पता चल जाएगा कि कहाँ पर उंगली की हमें उंगली से त्वचा दबानी है। भरा श्वास, ओम। इस विधि से आप अपने बीपी को बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। हाँ, इसमें इतना अवश्य ध्यान रखना है कि सांस जितनी देर तक आसानी से आपका निकले लंबा, उतना ही निकालना है। बहुत ज़्यादा जोर तक, देर तक करेंगे, जोर देंगे, तो मस्तिष्क पे प्रेशर पड़ेगा और वो बीपी आपका जल्दी ठीक नहीं होने देगा।
इसलिए लोड नहीं पड़ने देना, यानी कि बहुत लंबा ओम नहीं बोलना आपने, आप जितनी देर आसानी से बोल सके, आप ज़्यादा बार करें वो आपके लिए हित में है, लेकिन एक ही सांस को बहुत लंबा, यानी कि कोई पड़ोसी बैठे हैं, कोई भाई बहन दूसरे बैठे हैं, कोई और घर के परिवार के सदस्य बैठे हैं, एक युवा हैं, एक बुजुर्ग हैं, जितनी देर तक युवा कर रहे हैं, या एक बच्चा है और एक बड़े हैं, जितनी देर तक बड़े कर रहे हैं उतनी देर बच्चा ना करे, तो अपनी अपनी क्षमता का अवश्य ध्यान रखेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार जितनी देर आसानी से कर सके उतना करना है, बस भरा श्वास। ओम इसके अलावा हाथ ऐसे करने से ज़्यादा देर, कोई बुजुर्ग हैं कमज़ोर हैं तो उनके दुखेंगे, तो उनको आप ऐसे बता सकते हैं, इस तर्जनी उंगली से यहाँ से कान बंद हो जाएगा, ये बाजुवेट यहाँ सीने पे आ जाएगा ऐसे, और छोटी जो कनिष्ठ का उंगली है उससे यहीं से नाक बंद हो जाएगा, जहाँ से हम पहले कर रहे थे सांस भरा ओम। बाजू वेट आपका सीने पर आ जाएगा, आपको थकान नहीं होगी, हाथ दुखेंगे नहीं, और आप ज़्यादा देर तक बिना थके करके अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, इसलिए आपको ऐसे भ्रामरी करना है, तो हाथ ऐसे रखें या ऐसे रख लें, काम वही हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि ऐसे उंगलियां अलग थी ऐसे नहीं, ये उंगली से कान वहीं बंद हो जाएगा, इस उंगली से नाक वहीं से बंद हो जाएगा, बस हमें एक बार समझने की ज़रूरत है कि कहाँ से दबाना है, बस वो आप खुद मास्टर हो जाएंगे, खुद आप इसके आचार्य हो जाएंगे, खुद आप इसके ज्ञाता हो जाएंगे, तो करिए दोबारा से ओम। और मैं तो कई सज्जनों को बहुत अच्छा लगता है, आपको जैसा लगे देख लेना, इसमें ऐसे भी कर देते हैं, ये ऐसे ऐसे करने से रिदम चेंज होता है, आवाज़ म्यूजिक बदल जाता है, तो आपको अच्छा लगे तो कर सकते हैं, और भी अच्छा लगेगा, भरा श्वास ओम। सांस भरते समय उंगली हटानी पड़ेगी, इतना ध्यान रखना होगा और जो वरिष्ठ नागरिक हैं, ज़्यादा माताएं बुजुर्ग बिस्तर में ही रहना चाहते हैं, सर्दी में धूप में बैठते हैं या बिस्तर में, धूप में बैठते हैं या बिस्तर में, और कोई इतनी ताकत उनकी नहीं बची हुई कि और कुछ कर सके, उनको बिस्तर पे लेटे लेटे ये कर लेना चाहिए, उन्हें समझाएं, उन परिवार के जन जो दूसरे हैं जो जवान हैं, वो उन बुजुर्ग माताओं को, वो उन बुजुर्ग सज्जनों को, पिताओं को, दादा दादी को, उनको आप बिस्तर पे लेटे लेटे कराएं, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ के भी करना ज़रूरी नहीं है, बैठने की क्षमता नहीं है तो लेटे लेटे करें, मस्तिष्क वाइब्रेट हो रहा है, और सज्जनों कईयों को क्योंकि मेरे पास ऐसे केस आए हैं, आते रहते हैं, कान बंद करते ही कान में दर्द हो गया, ड्रम हिल गए, अंदर ड्रम होते हैं हमारे, मुझे नहीं पता कैसे ड्रम होते हैं, डॉक्टर सर्जन भाई जानते हैं, मुझे तो नहीं पता, आप भी आम आदमी तो नहीं जानते, तो अंदर सुनते हैं हम कि ड्रम होते हैं, उनके ड्रम हिल जाते हैं, ऐसे कई सज्जन मुझे मिले, तो उनको फिर सामान्य भ्रामरी करना है, वो नाक तो बंद कर सकते हैं ऐसे, पर कान बंद ना करें, सांस भरा
इसमें अंदर की गूंज उतनी नहीं आएगी, लेकिन नाक का रास्ता रुकने से जो वायु अंदर जाएगी वो अंदर प्रभाव अधिक देगी सामान्य खुले नाक की अपेक्षा। और क्योंकि इस समय कान वो व्यक्ति बंद नहीं कर पा रहे, उनको तो ड्रम हिल जाते हैं, उनको तो कान में दिक्कत आती है, असहज महसूस करते हैं, असामान्य हो जाते हैं वो। तो ऐसे व्यक्ति को खुले कानों से कर लेना चाहिए। पर भ्रामरी बहुत गजब का प्राणायाम है, और साथ साथ हमारा आध्यात्म भी संभल रहा है, आध्यात्मिक भी हमारी हाजिरी लग रही है परमात्मा के दरवाजे में, क्योंकि हम परमात्मा का मुख्य और निज नाम जो है ओम, बाकी नाम तो सब गौणिक हैं, वो तो कार्यों के अनुसार हैं। हम ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं तो हम उस समय ड्राइवर हैं, हम सफाई कर रहे हैं तो सफाई कर्मी हैं उस समय हम खाना बना रहे हैं तो हम पाचक हैं, हम कपड़े सिल रहे हैं तो हम दर्जी हैं उस समय। बहुत सारे गुणवाचक नाम होते हैं, ऐसे परमात्मा भी गुणवाचक नाम है, ओम नाम उनका मुख्य नाम है। तो ओम नाम इसमें बोल रहा है, उसका आनंद लेते हुए आपका आध्यात्म भी संभल रहा है। तो करिए लंबा लंबा लगातार ओम। बस उंगली हटा देंगे सांस भरने के लिए। ओम दूसरा राउंड, दूसरा दो दो मिनट और कर लेते हैं। तो भरा सांस, अनुलोम विलोम वो जो हम कर रहे थे चंद्रभेदी, पैर सुन्न हो रहे हो तो पैर सीधे कर लेंगे, घुमा लेंगे थोड़ी देर। सिद्धासन, पद्मासन, कोई भी आसन आप लगा सकते हैं, वज्रासन लगा सकते हैं। आप भले ही तेज भी खींचें तो भी, क्योंकि गले से कचरा सिर पे प्रेशर नहीं जाने वाला। पूरा भरें, थोड़ा थोड़ा नहीं भरना। जब करना आ जाए तो हमें आंखें बंद करके करने से ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि हमारा ध्यान इधर उधर नहीं बढ़ता। आंखें ज़्यादा इधर उधर देखेंगे हमें आंखों से, तो हमारी शक्ति खर्च हो रही है, हमारी एकाग्रता जो है भंग हो रही है। इसलिए कंसंट्रेशन के साथ आंखें बंद करके करें। जब हमें कोई भी क्रिया करनी आ गई फिर आंखें खोल के भले ही ना करें, चाहे वो प्राणायाम है चाहे आसन है। हाँ, खड़े होकर करने वाले आसन अवश्य हमें आंखें खोल के करने चाहिए। अब हम करेंगे पुनः सीतकारी, फिर से सीतकारी प्राणायाम।
खुश मुद्रा, मुदित भाव, आनंद के साथ। शीतली प्राणायाम, आपको जब जो बदलना है इन चारों में से जो जब मन करे तब बदल लें। एक से बोर हो रहे हैं दूसरा कर लीजिए, दूसरे से बोर हो रहे हैं तीसरा कर लीजिए, तीसरे से बोर हो रहे हैं चौथा कर लीजिए। चार प्राणायाम है ये। कोशिश करें ध्यान केवल अपने प्राणायाम के अंदर, इनके लाभों के लिए इस पे ध्यान रखें कि मेरा बीपी ठीक होने वाला, मेरी गोली छूटने वाली है, कुछ नहीं रहेगी, कोई गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैलेंज देना है, एक्सेप्ट करना है इस चैलेंज को, इस चुनौती को स्वीकार करना है और उसे फिर विकल्प में नहीं ले जाना, संकल्प ले लेना है कि मुझे संकल्प के साथ इतनी देर प्राणायाम करना ही करना है। अलग बात है कि सुबह ना मिले समय दोपहर को कर लें, दोपहर को, सर्दी में तो दोपहर को भी किया जा सकता है, गर्मी में भी दोपहर को कर सकते, पेड़ की छांव में बैठ के, अंदर घर के आंगन में बैठ के, कमरे में बैठ करके, लेकिन आज नहीं कल करेंगे। आज ये काम लग गया कल करें, कल कभी आता नहीं है तो फिर छूट जाएगा रिदम, टूट जाएगा चक्र। इसलिए आपने एक संकल्प के साथ, संकल्प बहुत जरूरी है। यज्जाग्रतो दूरम उदैति दैवम तद सुप्तस्य तथैव इति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शिव संकल्प होना चाहिए, दृढ़ संकल्प के साथ यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से मेरा जो मन सपने में जागृत अवस्था में दूर दूर तक दौड़ता है उसको वश में लाना है संकल्प के साथ, और कोई भी रास्ता नहीं हो सकता। दृढ़ संकल्प सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर है, ज्योति पुंज है, वो शक्ति का पुंज है, शक्ति का गुच्छ है, शक्ति का समूह है। इसलिए आपने संकल्प नहीं छोड़ना, बस ये ध्यान अवश्य रखें, आपके बीपी की गोली तो दूर होगी ही होगी। जिस दिन आप दृढ़ संकल्प कर लेंगे तो भ्रामरी प्राणायाम चार पांच बार और करते हैं, भरा श्वास ओम, जो सज्जन उंगली से नाक बंद नहीं करते उन्हें ये अवश्य समझना चाहिए, समझना होगा कि कान परमात्मा ने खुले छोड़े हैं, नासिका खुली छोड़ी है। हम जागृत रहें, सचेत रहें, सजग रहें, कोई पीछे से आ रहा है, कोई आक्रमणकारी आ रहा है, नींद में सोए हुए, कोई चोर है, डाकू है, कुछ भी आता ताई है, उन सब से सजग रहने के लिए, अलर्ट रहने के लिए हमें कान खुले छोड़े हैं। दिन रात स्वच्छंद श्वास चलता रहे, सोते जागते किसी भी समय, इसलिए परमात्मा ने नाक खुले छोड़े। तो हमें यहाँ ये दो दरवाजे बंद करने हैं, इसी से रिदम बनेगी, इसी से अंदर आवाज़ गूंजेगी, और आवाज़ गूंजेगी तो जो मांसपेशियों, जो नसें क्रोध से फटने को तैयार हो रही थी, द्वेष से जो फटने को तैयार हो रही थी, वो नसें ऐसे समझिए वेल्डिंग हो रही है उनकी, वो इतने सुदृढ़ हो जाएंगी कि आपको फिर ऐसी कोई समस्या नहीं सताएगी। उच्च रक्तचाप की, तनाव की, स्ट्रेस की, बीपी की कुछ नहीं रहेगी। और लो बीपी की वीडियो देख के लो बीपी ठीक कर सकते हैं। अब फिर करिए, भरिए श्वास ओम,
दिल कर रहा है कि बताता चला जाऊं, लंबा आपके साथ बैठ के करता चला जाऊं, लेकिन आप इसे और लंबा, ज़रूरत लगे तो और लंबा कर सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अपनी बात को समेटता हूं। तो सजनों, आपने प्राणायाम विद मी मेरे साथ बैठ के प्राणायाम किया तो आपका बीपी बिल्कुल ठीक होगा ही होगा, ये मेरा आपसे वायदा है, ये मेरा आपसे दावा है, आपसे प्रार्थना अनुनय विनय आग्रह है कि आप इस विधि से एकाग्रचित्त होकर बैठ के अपने समय को कुछ थोड़ा सा व्यवस्थित करके अवश्य इस विधि से प्राणायाम करेंगे। आपका इन्हीं चार प्राणायाम से बीपी हमेशा के लिए क्योर हो जाएगा। लेकिन हमेशा के लिए ऐसा नहीं कहना, मेरा कहने का कुछ आशय है कि आप फिर करें ना करें, नहीं, आपने एक बार क्योर अगर प्राणायाम से ही किया है तो फिर गोली आप भले ही छोड़ देंगे लेकिन प्राणायाम करना नहीं छोड़ना, प्राणायाम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर दोबारा गोली चालू हो जाएगी, फिर कोई फायदा नहीं होगा मेहनत का। इसलिए आपने प्राणायाम निरंतर करते रहना है। ये तो हमारे फेफड़ों को जाने वाली एक शुद्ध खुराक है, शुद्ध डाइट है फेफड़ों की, तो हमें इसमें फिर आलस्य प्रमाद क्यों करना, हमें इसमें यूँ क्यों सोचना कितनी देर तो कर लिया और क्यों करें, नहीं, प्राणायाम कर रहे हैं फेफड़ों को, जीवन को स्वस्थ सशक्त आनंदित करने के लिए कर रहे हैं, इसमें प्रमाद नहीं होना चाहिए। आप सबने मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुना, आप सभी को शुभ नमस्ते, धन्यवाद, ओम।